आपका स्वागत है फ्रेंड्स। 6 o'clock हो गए हैं और सर डालने लग रहे हैं। डॉगी खड़ा देखो गेट खोलते ही। चाय वाय पी ली है। हम उठ तो 4:30 बजे गए थे फ्रेंड्स और अपने छोटे मोटे काम निपटाए हैं कितने ही। अब थोड़ा है वॉक करूँगी घर के आगे ही गली में, काफ़ी बड़ी गली है, यहीं करूँगी आसपास, ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। और कुछ तो फ्रेंड्स इधर हमारे आसपास बंदर बहुत आते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है, माँ कभी ऐसा ना हो घेर लें कहीं मुझे गिर जाऊँ, डर लगता है। तो सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक करनी बाहर शुरू कर दी है मैंने, वॉक कई दिन से कर रही हूँ, धीरे धीरे कर लूँगी। और मैंने ये अपने एंकलेट वगैरह पहने हैं, इनके बगैर तो चला ही नहीं जाएगा, घुटनों से शूज़ वगैरह पहन लिए हैं, चलती हूँ वॉक पर। ये फ्रेंड्स दिन निकलना शुरू हो गया है, जब मैं घर से निकली ये घर के सामने ही वॉक कर रही हूँ फ्रेंड मैं, तब थोड़ा अंधेरा था और धीरे धीरे करते करते अब दिन निकलना शुरू हो गया है। आपको हेलो कर रही हूँ मैं, सर खड़े थे सामने मेरी वीडियो बनाने लग गए, धीरे धीरे चला जाता है फ्रेंड अभी तो मेरे से। ये जो है इसका क्या नाम है, इसका काली काली, ये काली की का क्या है, अंदर खाएगी स्पेशल, अगर इसको बाहर डाल दो ना खाती नहीं, नहीं बाहर डाल दो तो नहीं नखरे गुरु, हाँ बेइज्जती मानती है, रूठ के भाग लेती है। और डॉगी क्यों आ गए? हाँ फ्रेंड्स ये जो है काली है, देखो ये स्ट्रीट डॉग है, हमने कोई पाल नहीं रखा, और मैं 5:30 आता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, बैठ जाएगी, बिस्कुट दो मेरे को। और सर की गाड़ी और सर की स्कूटी की पहचान है इसको, हाँ जब रास्ते में कहीं पर भी सर और अपने आप बुझ जाएगी, मेरे अंदर खिलाओ सर देखेंगे, कु 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 करने लग जाएगी, आगे आगे चल पड़ेगी ये। और ये देखो बाकी सारे बाहर खड़े हैं डोगी, ये खड़े। अरे एक बार तो डाल भी चुके हैं सुबह सुबह, अब दोबारा डालने लग रहे हैं, पार्टी चल रही है, देख कट 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 कैसे रोटी नहीं खाते खुश होकर, देख कैसे देखने लग रहा है। अरे देख अंदर मारा नहीं, हमारे घर के अंदर खाने लग रही है, इसको VIP ट्रीटमेंट चाहिए, होगी लड़ाई। इसको तो अगर बाहर डाल दो बेइज्जती समझती है अपनी। ये देख सारे कैसे कर काट रहे हैं। ये फ्रेंड्स बाल धोए थे, कंघे करने का टाइम नहीं है क्योंकि बाद में ही करूंगी, टाइम तो अब सर का टाइम हो गया ऑफिस जाने का, चपाती बना देती हूँ। और देखो फ्रेंड मेरे बाल, कोई बात नहीं फ्रेंड, कुछ दिन और देख लो मेरे बालों को ऐसे ही, फिर देखना थोड़ी ठीक होने के बाद उसी रूप में आ जाऊंगी, फिर अपने बालों पर ध्यान दूंगी। अभी तो पर मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ, 1-2 दिन में ही देखूंगी कब लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल ही वाइट, अगर वो वाइट निकाल लूँ तो कैसा रहेगा फ्रेंड, सारे मना करते हैं, बच्चे मना करते हैं, सर भी मना करते हैं, कहते नहीं। मैंने कहा सर से पूछा मैं वाइट बाल निकाल लूँ, कहते नहीं अच्छे लगेंगे, मेरे कहा आपके भी तो है, कहते मेरा क्या है, मेरे तो अच्छे लगते हैं, तू अच्छे नहीं लगेगी वाइट वालों में, तू तो ब्लैक ही कर लिया कर। तो फ्रेंड अब मैं तवा रख दिया है, तवा हो गया है गरम, और ये बन गई थी मेरी राजमा, ये तो सब सर ने ही किया है, कुकर वगैरह खाली कर दिए हैं सर ने, ये रहे फ्राई पैन वगैरह सब धो के रख दिए हैं क्योंकि बर्तन वगैरह तो साफ नहीं कर सकती फ्रेंड, अभी थोड़ा झुकना पड़ता है आगे की साइड, इसमें तो अच्छा भी अच्छा आदमी है, उसकी भी कमर दर्द करने लग जाती है थोड़ा झुकना हो तो, मुझे तो वैसे भी नहीं झुकना। और देखो फ्रेंड ये मेरी राजमा का कलर देख सकते हो, यम्मी राजमा, और इसमें डाल दिया है धनिया बहुत सारा, बगैर लहसुन प्याज की भी अच्छी बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कपड़े भी धुल गए हैं, जल्दी ही कपड़े लगा दिए थे, मशीन चल मोटर चल रही है फ्रेंड, मोटर की आवाज़ आ रही होगी आपको, इग्नोर कर देना आवाज़ को, सर सुखा रहे हैं कपड़े, कपड़े भी धुल गए हैं हमारे। और मैं बना देती हूँ चपाती, आज मुझे दही निकालनी याद नहीं रही, ये देखो अभी निकाली है ये,
बहुत ज्यादा चिल्ड है, बहुत ज्यादा चिल्ड है, दिमाग में नहीं रहा कि निकाल दें, बहुत ज्यादा ठंडी है। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वाटर टैंक इज फुल, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए। चलो चलते हैं, मैं ही करके आती हूँ बंद। सर तो पीछे गए हुए हैं, मरने सर को कपड़े सुखा रहे हैं, गिल्ला है अभी थोड़ा सा ना, ध्यान से ही चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, करते हैं बंद। लो जी, सावधान, सही चल पड़े फ्रेंड, ये ना इस तरह की चीजें सही है। अपना टैंकी भर जाती है तो पता चल जाता है, भर गई तो पानी गिरता रहता है, या बार बार फिर संभालना ही पड़ता था कि टैंकी भरी नहीं भरी। सर भी आ गए, टैंकी भर गई है सर। हाँ मैं कराई हूँ बंद, चेंज तो नहीं किया मैंने, वो तो आप ही कर दो, मेरे झुकाने जाएगा। चपाती बना लेती हूँ फ्रेंड में। देखो इतने दिनों बाद बिंदी वगैरह लगाई, लिपस्टिक लगाई है, अपने आप को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब टाइम हुआ है फ्रेंड, 5 बज गए हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ टेलर के पास, जो मेरे घर के साथ में ही है, दूर नहीं है इतना, तो मैं चलती ही हूँ, धीरे धीरे चलती ही हूँ इतना तो। और जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको मैं दिखाती रहती हूँ ना, पार्क, मेरे घर के आसपास पार्क है, तो उसके बस थोड़ा सा ही आगे जाकर है टेलर, जिसके पास जा रही हूँ मैं। पेंडिंग पड़े हैं मेरे काम बहुत दिनों से, सर कह रहे थे कि मैं लेके चलूंगा, तो मैं सर तो लेट आते हैं, और आते ही तो एकदम कहा भी नहीं जाता चलो चलो, फिर अंधेरा हो जाता है, आजकल छोटे दिन होते हैं। मैं सोच रही थी पहले तो सर को फोन करूंगी कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ, उनको बताना जरूरी है, और फिर जाऊंगी। टेलर के पास क्या करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रहेगा, कई दिन तक सरप्राइज रहेगा, बाद में दिखाऊंगी, टाइम आने पर बताऊंगी आपको, दिखा भी दूंगी कि मैं क्या करने गई थी टेलर के पास, अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो सरप्राइज आप लोगों के लिए। और देख लो फ्रेंड, हिम्मत करके मैंने खड़े खड़े अपना अपनी शर्ट प्रेस की है, खुद की है मैंने प्रेस की, ऐसे नहीं पहन के जाऊंगी, प्रेस करूंगी और अच्छे तैयार होंगी, चुन्नी ओढ़ लूंगी अच्छे से, लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, मैंने यही सोचा कैसे तैयार होके जाऊंगी, बाहर निकलूंगी तो मैं, और ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टेलर के पास जाऊंगी, अभी सरप्राइज है, क्या क्या करवाने जा रही हूँ मैं, क्या ठीक करवाने जा रही हूँ, क्या देने जा रही हूँ टेलर को। चलती हूँ, सर को पहले फोन करती हूँ कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ, वैसे तो वो मुझे मना करेंगे कि आपसे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा इतनी दूर तक। एंकलेट वगैरह पहन लिए हैं मैंने ताकि घुटनों पर इतना जोर ना पड़े, पास में ही है इतना तो, खैर मैं चलती ही हूँ, आधा घंटा तो चलती ही हूँ, आधा घंटा तो बल्कि मुझे लगेगा भी नहीं, 10 मिनट ही मुश्किल से, 5 मिनट ही लगेंगे खैर जाने में, इतना दूर नहीं है। और अगर मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ तो कहीं पर भी बैठ जाऊँगी या खड़ी हो जाऊँगी 2 मिनट के लिए, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी और अपने छोटे छोटे काम तो निपटाने ही पड़ेंगे। तो फ़ोन करती हूँ फ्रेंड सर को और फिर जाती हूँ टेलर के पास। पता नहीं भाई फ्रेंड्स क्या है हमारे पड़ोस में, तो ये टेंट कैसे लग रहा है यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो टेंट क्या है यहाँ पर, हमें नहीं पता अभी तक। ये फ्रेंड्स मेरे आसपास का एरिया देख लो फ्रेंड्स, कहाँ रहती हूँ मैं, कैसा माहौल है मेरे आसपास का, कैसा एरिया है ये आप देख सकते हो। वैसे भी मैं दिखाती ही रहती हूँ फ्रेंड्स बीच बीच में आपको, और इस टाइम फ्रेंड मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो चारों तरफ भजन कीर्तन माता की चौकी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, खूब आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, आ रही होगी आपको, मुझे आवाज़ आ रही है बाहर से जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स जो मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल मेरे घर के साथ में का पार्क, बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम। और ये देखो यहाँ पर सामने धोपी बैठता आ है, गई हूँ फ्रेंड्स,
आना जाना मेरी वॉक तो सही हो गई, अब रात को वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को सर भी आ गए साथ के साथ, सर भी पहुंच गए टेलर की शॉप पे, लेकिन मैं उनको बताकर आई थी कि उनको बोल देना सर आए तो कि मैं चली गई, क्योंकि स्कूटी वगैरह पर तो बैठना नहीं। मुझे बाद में याद आया स्कूटी पर बैठना तो है नहीं, मैं पैदल ही जाना है, निकल जाती हूँ धीरे धीरे। और मैं कह रही थी ना ये टेंट लगा हुआ हमारे पड़ोस में, पता नहीं हमें, लेकिन हमारे पड़ोसियों का लगा हुआ भी मुझे मिले थे कि माता की चौकी है आंटी हमारे यहाँ, कल आना, अभी रास्ते में मिले थे मुझे, तो उन्होंने बोला है मुझे। मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं नहीं आऊँगी तो सर को भेजूँगी, पड़ोस में तो आना जाना तो पड़ता ही है, टेंट मेरे तो खैर बैठा नहीं जाएगा। और अब खाऊँगी एक एप्पल खा लेती हूँ दो कर। चलो फ्रेंड आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।